So this attention is about online offline classes at Gancave, that which is going to be free. Yes, absolutely free. And free means free. Okay. So here is our launching announcement. हम लोग एक बैच अनाउंस कर रहे हैं ज्ञानकेव दैट डे 2000 हम लोग एक फ्री बैच को लॉन्च करने वाले हैं ऑनलाइन एंड हमारे बैच का नाम रहेगा कलेक्शन बैच. ठीक है, ये जो कलेक्शन बैच है ये EWS स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस बैच को लॉन्च करने का सोचा गया था. बट आवर मेन फोकस ऑफ दिस बैच इज टू कलेक्ट आवर ऑल द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ EWS कैंडिडेट बिलोंग नहीं करता है, बट वो डेडिकेटेड है तो हम उन्हें भी मिस ना कर पाए. कैंडिडेट्स के बच्चे हैं, उनमें से भी कुछ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन डेडिकेटेड भी हो सकते. तो हमारा जो लॉन्चिंग है वो ज्ञानकेव द डे 2022 उसी दिन हम लोग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और हमारे बैच का नाम होगा कलेक्शन. और ये सिर्फ और सिर्फ EWS के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. तो और ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगा. फ्री मीन्स फ्री, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है एंड कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑनलाइन रन करने वाला है. एंड जितनी भी कॉस्टिंग होगी वो ज्ञानकेव तट की तरफ से एक स्पेशल ऑफर्स होगा इस कलेक्शन बैच को, जिसमें हमने पूरा एफर्ट लगाया है. तो हमें आपसे इस बैच से, ये जो हमारी बैच बनेगी उस बैच से हमें सिर्फ उनसे सिर्फ उनका डेडिकेशन चाहिए. बाकी जितने भी एफर्ट्स हैं वो हमारी तरफ से, जितना भी कॉस्टिंग है वो सब कुछ हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनका डेडिकेशन. क्योंकि अगर वो स्टूडेंट डेडिकेटेड है ना तो कलेक्शन बैच ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं कर पाए कुछ स्कॉलरशिप्स को क्रैक नहीं कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता. बिकॉज कलेक्शन बैच को बहुत बेस्ट बैच होने वाला है हमारा, ज्ञानकेव तट का सबसे बेस्ट बैच होने वाला है जो बिल्कुल ऑनलाइन चलेगा. यस, ऑब्वियसली ऑनलाइन चलेगा. एंड इस ऑनलाइन बैच सिक्स मिड हाई हर लेवल को टचअप करेंगे एंड हर लेवल को हम लोग फॉर्म्यूलेट करेंगे एंड हर लेवल तक पहुंचेंगे, हर डेप्थ पर चलेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को किस टाइप का सिचुएशंस होता है एंड वो किस तरीके से टैकल कर सकता है एंड कैसे वो किस रीज़न की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, किस रीज़न की वजह से वो बेस्ट देना तो चाहता है इस कलेक्शन देने में, इनरोल करने के लिए बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है. ठीक है, सिर्फ एक कॉस्ट है और उस कॉस्ट का नाम है आपका डेडिकेशन. इस इतने कॉस्ट की उम्मीद तो हम रख सकते हैं, है ना. ओके, कम टू द पॉइंट. अब ये जो कलेक्शन बैच है ये हमारा ऑनलाइन मोड में टारगेट क्लास होंगे वो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th. ओके, और क्लास 9th और 10th के ऑल सब्जेक्ट्स को हम लोग टारगेट करेंगे. ठीक है, क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और 12th में हम सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को टारगेट करेंगे फिलहाल अभी. ठीक है, अभी लॉन्चिंग टाइम में आपका ये सब्जेक्ट रखा गया है. ठीक है, बट बहुत जल्द हम क्लास 11th और 12th के आर्ट्स के लिए भी हम ऑफर रखने वाले हैं एंड विल बी वेरी वेरी सून. ठीक है, तो बहुत जल्द ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है इफ आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें इस कलेक्शन बैच में देखने के भी पॉसिबल है. वी आर होपिंग दैट यू विल ज्वाइन. वेरी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर द कलेक्शन बैच. कलेक्शन बैच में इनरोल करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही क्लियर है. कलेक्शन बैच में इनरोल करना आसान है. आफ्टर नोइंग अबाउट द कलेक्शन बैच वी हैव वन क्वेश्चन. ऑब्वियसली हम सबके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू इनरोल ऑन कलेक्शन बैच. तो कलेक्शन बैच में इनरोल करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना होगा. कलेक्शन बैच GYT टाइप करना है. टेलीग्राम ऐप ओपन करना है, सर्च बार पे कलेक्शन बैच GYT टाइप करना है एंड जो आपका ग्रुप बन के आएगा उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे यहाँ का कलेक्शन बैच GYT है, तो उसे कंफर्म करने के लिए आप
ज्ञानकेव तट के लोगों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। तो ज्ञानकेव तट का लोगो कुछ इस तरीके से है। तो ये आपको कुछ याद आ रहा होगा। सो ये हमारा लोगो। अगर आपको ये लोगो दिख जाता है तो आपको इसी ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। इसी ग्रुप में जाना है और इस ग्रुप में आपको अपना नेम, ठीक है, इसी ग्रुप में जाकर आपको अपना नेम, आपकी सिटी का नेम, ठीक है, आपका क्लास कौन सा है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट एरिया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी सब्जेक्ट एरिया में हमारा सिर्फ 11 12 का बता सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट ग्रुप में सिर्फ 11 12 के बच्चे अपना सब्जेक्ट ग्रुप मेंशन करेंगे, बाकी जो 9th और 10th के बच्चे हैं वो अपना सब्जेक्ट ग्रुप मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपना क्लास यहाँ पे मेंशन करेंगे, 11th एंड 12th के बच्चे वो अपना सब्जेक्ट ग्रुप मेंशन करेंगे, मेंशन सब्जेक्ट ग्रुप ऑल्सो। जैसे अगर वो मैथ्स में है, मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो उन्हें मेंशन करना होगा कि हम 11th 12th के हैं और मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स या फिर साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। एंड बाकी रेस्ट जो क्लास नाइन्थ एंड क्लास 10th के जो बच्चे, क्योंकि ये जो कलेक्शन बैच है ये क्लास 9th टू 12th है, ठीक है। टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, ये जो हमारा कलेक्शन बैच है ओनली फॉर क्लास 9th टू 12th, क्लियर। ये जो हमारा कलेक्शन बैच है ये सिर्फ क्लास 9th टू 12th मैच के लिए है, जो रन करेगा ऑनलाइन ओवर द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और जो लैंग्वेज मीडियम होगा वो बोथ होगा, हिंदी इंग्लिश। तो आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, मीडियम, ठीक है, प्रॉपर हिंदी, प्रॉपर इंग्लिश, इंग्लिश यू नो, जिसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके सब्जेक्ट्स प्रॉपर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि कोई अदर स्टेट से हैं जहाँ जिन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उन्हें इंग्लिश लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके यहाँ पे जिन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, वो बिल्कुल भी इंग्लिश ना लेंगे, इंग्लिश ना लेंगे तो वो क्या लेंगे? दोनों हिंदी क्वाइट एनफ, प्लीज़ गो थ्रू क्वाइट एनफ, प्लीज़ डोंट गो थ्रू विथ इंग्लिश, यू कैन गो थ्रू विथ इंग्लिश मीडियम। Okay. So here everything is very clear. Please don't forget to mention your contact details will be your phone number, your WhatsApp number, your mail ID. Okay. Your contact details will be your phone number, your WhatsApp number, your mail ID. Clear? इस option के बाद you will get a phone call by us and फिर आपको बाकी की जितनी भी details हैं वो आपको दे दी जाएगी। तो आप इस batch को बहुत ध्यान से समझ लें। इस batch को समझने में फिर भी कोई problem है हमारे इस number पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, डोंट कॉल बिकॉज हमारे यहाँ से सिर्फ सेव्ड नंबर पे रिस्पॉन्स जाता है, अननोन कॉल है उन पे रिस्पॉन्स तब तक नहीं जाता जब तक कि आप टेक्स्ट नहीं करते। आप टेक्स्ट करेंगे